वेलकम बैक अगेन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज, आप लोगों को याद होगा कि काफी टाइम पहले हम लोगों ने हमारे मिनी जू में जो एक जोड़ा है, फैंसी पेयर है सिराजी कबूतर, तो फैमिली सिराजी कबूतर के जोड़े को हमने रख दिया था अपने बाहर वाले कबूतरों के नीचे। यानी कि हमारे जो बाहर वाला कबूतरों का सेटअप है, वहां पर दो पार्टीशन हमने किए हुए हैं, जिसमें कि कुछ कबूतर हमारे ऊपर रहते हैं और कुछ नीचे रहते हैं। तो ऊपर जो है जीनू और उसकी फीमेल रहते हैं। जीनू आप लोग देख रहे होंगे यहीं पर बैठा हुआ है, अभी आया है। तो जीनू और उसकी फीमेल के नीचे हम लोगों ने सिराजी का अंडा रख दिया था, क्योंकि काफी टाइम से जो जीनू की फीमेल है वो एग ले कर ही नहीं रही थी। तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता, और आप लोगों की एडवाइजेस पर ही फैमिली मैंने ऐसा किया था। और काफी हद तक हमारा जो ये मिशन है वो सक्सेस भी हुआ, और साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो एक डर तो पहले मुझे ये था कि पता नहीं जीनू और उसकी फीमेल जो है वो सिराजी के अंडे को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, एग को हैच करके उसे चीक्स बाहर निकालेंगे या नहीं। लेकिन एक बार के लिए तो मैं डर गई थी कि पता नहीं ये सिराजी के एग को हैच करेंगे या नहीं, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और हमारे जीनू और उसकी फीमेल ने बहुत अच्छे से सिराजी के एग को हैच किया, और उससे नन्ना मुन्ना प्यारा सा बेबी सिराजी भी बाहर निकाला। तो फैमिली भी काफी दिन हो गए हैं, और अब देखना यही है कि जो सिराजी का अंडा हम लोगों ने बाहर अपने देसी कबूतरों के नीचे रखा था, उस एग से जो सिराजी का बच्चा निकला है वो भी कितना बड़ा हो गया है, क्या कलर लेकर आया है, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम कर लीजिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और साथ में शेयर कर दें। तो फटाफट से चलते हैं अपने कबूतरों के पास और वहां पर देख लेते हैं कि जो सिराजी का बच्चा है वो कैसा है, क्या कलर लेकर आया है, सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं। और हाँ गाइस, साथ में हमारे जो नीचे वाले कबूतर हैं वहां पर भी कुछ जोड़ों के बच्चे जो कि अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उन बच्चों को भी आज उन सब बच्चों का भी आज मैं आप लोगों को शो कराऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। तो गाइस, ऊपर अभी तक कोई भी नहीं है, सभी कबूतर हमारे बाहर हैं, देखिए वहां पर बैठे हुए हैं। और ये अच्छा मौका है कि हम लोग नज़दीक से बेबी सिराजी का शौक कर पाएंगे और उसको अच्छे से देख पाएंगे, वरना तो ये लोग फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग अंदर होते हैं तो देखना पॉसिबल ही नहीं होता है। ये देखिए जीनू अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है अंदर जाने की, लेकिन अभी मैं उसको अंदर जाने नहीं दूंगी, और जल्दी से हम लोग बच्चे को देख लेते हैं। इसको यहाँ से खोल लेते हैं। तो गाइज ये देखिए, वहां पर बैठा हुआ है सिराजी कबूतर का बच्चा, जो कि हमारे देसी कबूतरों ने निकाला है, जीनू और उसकी फीमेल ने। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा नजदीक से दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए फैमिली, कितना प्यारा और खूबसूरत सा बेबी सिराजी। और आई थिंक इसका जो कलर है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का निकल कर आएगा, क्योंकि इससे पहले के जो भी बच्चे हैं या तो वो सिल्वर एंड व्हाइट निकलते हैं, या तो फीमेल के ऊपर जाते हैं और या तो फिर मेल के ऊपर जाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं फैमिली, अभी ना मैं इसको पास में तो उठाऊंगी नहीं, आप लोगों को इसको ऐसे ही देखना होगा। थोड़ा सा इसको और बड़ा हो जाने देते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको बाहर निकाल कर और आप लोगों को नजदीक से इसका शौक कराऊंगी। तो आप लोग देख लीजिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा बेबी सिराजी। और हमारे जीनू और उसकी फील ने कितनी मेहनत की है, और सच में इन्होंने अपना एग समझ के ही उसको हैच किया था, लेकिन इनको कहाँ मालूम होता है, ये तो अच्छे से केयर करते ही करते हैं एक अच्छे पेरेंट्स बनकर। तो सेम वही जीनू और उसकी फीमेल ने किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि वो एग वेस्ट नहीं गया, कम से कम मेहनत सफल हुई और बेबी सिराजी बाहर निकल कर आ गया है। और देखिए भी हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इतने दिनों बाद इसको देखा है तो काफी बड़ा भी हो गया है ये, और थोड़ा और बड़ा हो जाने देते हैं, उसके बाद इसको फिर बाहर निकाल कर लेकर आएंगे, ठीक है। और अब हमारे नीचे वाले कबूतर, और यहाँ पर फैमिली आप लोग देख सकते हैं हमारे सुल्तान एंड रावी को, और उनका नन्ना मुन्ना सा बेबी देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है। और फैमिली, एक बच्चा तो इनका डेथ ही कर गया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो ये देखिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है जब भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा भी। तो ये देखिए बच्चा, ये भी बहुत प्यारा कलर लेकर आ रहा है, और आप लोग देख सकते हैं
दोनों का मिक्स कलर है, हमारे सुल्तान का भी और साथ में रावी का भी। तो ये देखिए, मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ इसको बाहर। ये देखिए, ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत सा और प्यारा सा बच्चा सुल्तान एंड रावी का। और अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और एक जोड़ा हमारा ये रहा। और फैमिली, ये वाला पेयर भी ब्रीड पर है। आई थिंक जल्दी ही फीमेल जो है वो एग ले कर देगी। जो भी होगा, मतलब जो भी अपडेट होगी उसकी भी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए हमारी सिम्बी और उसका पंजाबी मेल और साथ में इनके बच्चे। ये देखिए गाइस, ये दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे से हैं और आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, बेबी सिराजी भी अभी धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। और साथ में मैंने आप लोगों को सुल्तान एंड रावी का एक बच्चा, जो कि हाँ मतलब एक ही बच्चा है अभी, एक बेबी तो इनका डेथ कर गया था, वो भी आप लोगों को दिखाया। उसका कलर और कैसा लगा आप लोगों को वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। और साथ ही में हमारे सिम्बी एंड उसका जो मेल है पंजाबी कबूतर, इनके दोनों बच्चे आप लोगों को कैसे लगे। इससे पहले भी फैमिली ऐसा ही हुआ था, इन दोनों के दो बच्चे निकले थे लेकिन एक बच्चा डेथ कर गया था और दूसरा वाला तो आप लोग जानते ही हैं। आजकल वो ज़्यादा बाहर रहने लगा है, धीरे धीरे वो भी बड़ा हो रहा है तो वो बाहर रहने लगा है, अभी बिल्कुल भी अंदर बंद नहीं होता है। तो दो बच्चे ये निकल कर आ रहे हैं इनके, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारे बाहर वाले जितने भी सभी, मतलब बाहर वाले हमारे जो भी कबूतर हैं और बाहर वाला जो हमारा पिजन सेटअप है, वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो अच्छा लगा मुझे देखकर, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स करके। तो ठीक है गाइस, और हाँ फैमिली, जैसे जैसे बेबी सिराजी धीरे धीरे बड़ा होगा तो हम उसको बाहर निकालेंगे। और जब मैं इसको बाहर निकालूंगी, फर्स्ट टाइम जब मैं इसको बाहर निकालूंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद जैसे ये बड़ा हो जाएगा, फिर हम इसको ना अपने मिनी जू में शिफ्ट कर देंगे, फिर ये वहीं पर रहेगा परमानेंट। तो ठीक है, आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक पर न्यू कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज और परिंदों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।